मंडी के पड्डल मैदान में जारी इंटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के फाइनल पर 3rd बटालियन पंडो की टीम ने कब्जा जमा लिया है। फाइनल मुकाबला 3rd बटालियन पंडो और SP11 मंडी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए SP11 की टीम ने 155 रनों का लक्ष्य 3rd बटालियन के सामने रखा। 3rd बटालियन के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिए गए लक्ष्य को मात्र 13 ओवरों में ही हासिल कर लिया। समापन समारोह की अध्यक्षता SP मंडी RS नेगी ने की। उन्होंने विजेता और उपविजेता रहे प्रतिभागी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बहुत अच्छा सभी टीमों ने जो है यहाँ खेला। फाइनल मैच जो है वह SP11 वो IRB के बीच में खेला गया, जिसमें बहुत ज्यादा रन बने। 155 रन का टारगेट जो है SP11 ने पहले खेलते हुए IRB के लिए दिया था और उसको 13 ओवर में ही जो है पूरा कर लिया IRB की टीम ने। और उनके खिलाड़ी प्रवीण जो है उसका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने ही जीता। प्रदेश में 12वीं विधानसभा की सत्ता के बाहर होने के कारणों का आत्ममंथन करने के साथ भाजपा ने मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव में मिली हार को तो पार्टी ने स्वीकार कर लिया, किंतु मंडी उपचुनाव में भाजपा किसी भी कीमत पर बैकफुट पर नहीं जाना चाहती। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने चुनावों के दौरान जनता द्वारा सुनाए गए फैसले को स्वीकारते हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का संकल्प लिया है। मंडी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के सदस्यों ने भाजपा की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की बात कही, ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी को जीत दिलाई जा सके। शनिवार को मंडी स्थित सर्किट हाउस में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रकोष्ठ के संयोजक इंद्रजीत शर्मा ने की। बैठक में सबसे पहले मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की कड़े शब्दों में निंदा की गई और भारत सरकार से इस ओर ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई। हमारे भारतीय सैनिकों के सिर काट के पाकिस्तान के सैनिक ले गए हैं, उसकी भरसक निंदा करते हैं और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दुश्मन हमारे पर दुशास न करे, दोबारा इस तरह हरकतें न करें। इसके साथ ही बैठक में भारत सरकार द्वारा रेल किराए में की गई वृद्धि को लेकर भी रोष जाहिर किया गया और इसे तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग भी की गई। बैठक में पूर्व कर्मचारियों ने पार्टी को मिली हार को लेकर मंथन किया और आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाने का संकल्प भी लिया। का मिशन अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसके उपलक्ष्य में हमने ये निर्णय किया है कि अब घर द्वार जाकर लोगों को अवगत कराएं, ताकि जो त्रुटियां हमारे पिछले रही है उसको हम समय रहते हुए सुधार सके। इस बैठक में महामंत्री बालकृष्ण शर्मा, सह संयोजक सेवक राम भरमौरी, प्रचार सचिव कपूर सिंह पटियाल सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद थे। मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल की है, वहीं भाजपा अपने मिशन रिपीट को पूरा करने में फिसड्डी साबित हुई। चुनाव में भारी जीत दर्ज कर कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में काबिज होने और वीरभद्र सिंह का मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सबकी निगाहें लोकसभा सीट पर लग गई है। आने वाला मंडी लोकसभा का उपचुनाव प्रदेश की दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। जहां कांग्रेस सत्ता में रहकर इस सीट को पुनः जीतकर मंडी लोकसभा को एक बार फिर अपनी झोली में डालने के लिए तैयारी कर रही है, वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट के लिए कुछ नामों की फहरिस्त बनाई है, जो उसी में से आने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी होने की खबर है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की फहरिस्त काफी लंबी है और वहीं सहमति किसी एक पर बनने की रशाकशी भी इन दिनों जोर पकड़ती नजर आ रही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता चुनाव लड़ने के लिए अभी से ही अपनी राजनीतिक गोटियां प्रदेश की राजनीति से लेकर आला कमान तक फिट करने में लगे हुए हैं और प्रदेश के आला नेता भी अपने अपने चहेतों को इस सीट पर उतारने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा भी प्रदेश के विधानसभा चुनावों की हार इस मंडी लोकसभा के उपचुनाव को जीतकर पूरा करना चाहेगी। जहां कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवारों की फेरिस्त काफी लंबी है, वहीं भाजपा के पास जिताऊ उम्मीदवारों की फेरिस्त काफी कम है। भाजपा के पास महेश्वर सिंह मंडी लोकसभा के लिए भाजपा के सबसे जिताऊ उम्मीदवारों में से एक हुआ करते थे, लेकिन वो भी अब भाजपा के परिवार से बाहर हो गए हैं।
ऐसे में देखना होगा कि भाजपा किस पर अपना दाव खेलती है और किस तरह से भाजपा मंडी लोकसभा सीट को अपनी झोली में डाल पाती है। प्रदेश के दोनों ही राजनीतिक दल लोकसभा के इस उपचुनाव की जीत को किस तरह से अपनी झोली में डालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रदेश के दोनों ही राजनीतिक दल लोकसभा के इस चुनाव की जीत को किस तरह से अपनी झोली में डालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि दोनों राजनीतिक दल किस किस नेता पर उम्मीदवारी को लेकर दांव खेलते हैं। शिमला ब्यूरो की रिपोर्ट। खबरों के बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का, आप बने रहिए हिमाचल आजकल के साथ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ दिनों में हम दुनिया देखने वाले हैं। पर भैया, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहती, मुझे डर लगता है क्योंकि ये दुनिया मुझे अपनाना नहीं चाहती। पर तू ऐसा क्यों सोचती है? अगर तू ही बाहर नहीं गई, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? पर भैया, मुझे लगता है कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। कोक को कब्र मत बनाओ, कन्या भ्रूण हत्या को रोको, क्योंकि कन्या नहीं तो कल नहीं। हिमाचल आजकल द्वारा जनहित में जारी। आप सिगरेट पीते हैं या सिगरेट आपको? धूम्रपान के कारण हर साल लगभग 17.3 करोड़ लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं, इसलिए आज ही धूम्रपान को कहें अलविदा। सेव इंडिया, सेव इंडियंस। हिमाचल आजकल द्वारा जनहित में जारी।